हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सईद। जैसे बताया गया था कि लॉगरिथम का एक्सरसाइज 21 जो वेस्ट बंगाल सिलेबस में है, हालांकि लॉगरिथम जो चैप्टर है वो बिहार के 9 और 10 क्लास में नहीं है, ये 11, 12 में है। और बंगाल की इस बार मतलब कुछ सालों से जो बुक में चेंजिंग आया है उसमें क्लास 9 में दिया गया है। मैं पढ़ाने से पहले दो बात कहना चाहूँगा कि हम लोग इलाके में जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के बाद, बच्चों को हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग खुद बना के एक्सरसाइज देते हैं। खुद बना के एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज जो होता है हर एक चैप्टर का खुद हम लोग बना के देते हैं, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि बच्चों को आपने कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक चैप्टर का, चाहे लॉगरिथम हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे आपका सेट्स हो या रेशनल नंबर्स हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे जो भी चैप्टर हो, या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, कॉन्सेप्ट देने के बाद आप कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल्स बनाइए। जो एग्जाम्पल्स किताब में दिए हुए हैं और जो एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन तो एग्जाम्पल्स को बनवाइए, बच्चों को बना के दिया समझाइए, बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल और अगर एप्लीकेशन को सही से बना दिया जाए और बच्चे होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज को बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का जो माइंड है, जो मैथ्स का जो लॉजिक है वो समझ में आएगा, वो एक तरह से खुद में प्रिपेयर होगा आगे बनाने के लिए मैथ्स को और समझेंगे। तो बस मैं ये कहूँगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बनाने के बाद उनसे डायरेक्ट एक्सरसाइज ना बनवाएं, पहले आप उनको एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन बनवाएं और बना के समझा के दें, उसके बाद आप एक्सरसाइज उनको बनाने के लिए होमवर्क दें। तो मैं उसी तरह से आज पहले देखो कुछ मिसालों को बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का एक दो बना के दूंगा और बनाने के लिए होमवर्क भी करूंगा। तो देखिए, जैसे एक लॉगरिथम का एक्सरसाइज 21 को बनाने के लिए पेज 340 में, उससे पहले एक कुछ मिसालें हैं जिसको आप समझते हैं तो आप एक्सरसाइज के सारे मैथ्स बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ एप्लीकेशन 11 में, लॉग 3 लॉग बेस 3 सेकेंड ब्रैकेट लॉग बेस 2 ब्रैकेट लॉग बेस रूट 3 81 इतना। इस मैथ को बनाने से पहले लॉजिक ये है कि हर हाल में आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट ये जरूरी जानना जरूरी है कि आपको क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडेक्स कितना पता है, कि 81 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 81 है, इस 81 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 3 × 3 × 3 × 3 अगर करेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 नंबर 81 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि 81 का मतलब हुआ, इसको अगर एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें तो 3 × 4 दे सकता हूँ। तो उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि 196 को क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हैं। तो जितना आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा इसको इस सब मैथ बनाने के लिए। तो आप देखिए, मैं बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। लॉगरिथम मैथ्स को बनाने के लिए आपको मैथ्स इधर से नहीं बनाना है, आपको पीछे तरफ से राइट साइड से बनाते हुए पीछे आना है, सॉल्व करना है, ना कि इधर से बनाते जाना है। मैं बना रहा हूँ, देखिए, जैसे पहले दिया लॉग 3 लॉग बेस 3 सेकंड ब्रैकेट लॉग बेस 2 इसके अलावा क्या लॉग ब्रैकेट लॉग रूट 3 या 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं क्या 3 × 4 3 × 4 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेकंड ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट लॉग 3 सेकंड ब्रैकेट। आई रिपीट अगेन कि आपको जो लॉगरिथम में आना था इधर से आना है, और मैथ्स का जो शकल है, जो शकल जिस शकल में उसको एक्सपोनेंट शकल मतलब पावर की शकल में लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर की शकल में लाएंगे तो मैंने कल ही बताया था कि जब कोई नखड़ा करे, पावर चल के नखड़ा करे, तो उसको नखड़ा को मारने के लिए लोग का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पावर को हम आगे लिखा जाएंगे। जैसे कल बताया था मैंने कि लॉग बेस ए एन टू दी पावर अगर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एन को आगे लिखाएंगे एन लॉग बेस ए एन लॉग बेस ए एन। तो वही देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉग बेस 3 और यहाँ पर लॉग 2 आपका है पहले से दिया हुआ लॉग बेस 2। यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है पर लॉग बेस रूट रूट बेस 3 3 × 4 तो 4 आ गया जाएगा, 4 आ गया जाएगा, ये 4 आ जाएगा आगे, देखिए ये 4 आ गया क्या, और यहाँ पर देखिए लॉग रूट रूट 3 अब बचा यहाँ पर सीखे 4 आ गया तो बचा पर 3। हम 3 को किस तरह से लिख सकें कि हम ये उसके बदले में हम ये कर सकें कि लॉग, मैंने कल बताया था जो कि मैं क्या कर सकूँ कि बेस और ये दोनों सेम हो जाए, कि क्या करने से मेरे पास 3 सी बचा, अब 3 के ऊपर क्या करें कि वो सेम हो जाए, तो उसका बस यही ऑप्शन है कि यहाँ तो 4 आ गया, बचा यहाँ पर क्या, चले पहले 3 लिख लेते हैं,
मतलब थ्री लिख लेते उसके बाद में करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये सेम सेम आ रहा है, बस 81 को हम 3 पावर 4 लिखे और इसके माध्यम से लोग ए एम टू पावर एन, एन आगे लोग बेस ए एम, ये 4 आगे आ गया, लोग रूट बेस रूट 3 आ गया। उसके बाद लोग बेस 3 सेकेंड ब्रैकेट लोग बेस 2, उसके बाद यहाँ पर 4 आपका है, आप यहाँ देखिए लोग रूट 3। अब इस 3 को किस तरह से लिखे कि ये रूट 3 की तरह सेम हो जाए, चूंकि बेस अगर आपके यहाँ पर 10 है, यहाँ पे अगर 10 है तो इसका मान 1 होता है, कल ही बताया था मैंने। जैसे लोग आपके पास यहाँ अगर रूट 3 है और यहाँ पे अगर रूट 3 हो तो इसका मान क्या 1 होगा। बेस और ये दोनों सेम हो जिसमें लॉगरिथम आप लगा रहे हैं तो उसका मान क्या 1 आ जाएगा। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि रूट 3 के ऊपर स्क्वायर, रूट 3 के ऊपर स्क्वायर, तो हम देख पाएंगे कि रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा। रूट 3 का स्क्वायर आप सोल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर फिर 3 आएगा, जो हम जानते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ ओनली थ्री, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट 3 और रूट का मतलब होता है पावर हाफ उसके ऊपर स्क्वायर, और पावर 2 की पावर होना तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो रूट 3 के स्क्वायर दैट मीन्स 3, कोई बात चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ क्या है, 2 ये 2 को भी आगे लेके आना है, इसमें आप देखिए फर्दर लोग बेस 3 सेकेंड ब्रैकेट लोग बेस 2, उसके बाद क्या बचा था यहाँ पर पहले से 4 था और एक 2 आ गया था 2, और यहाँ बचा क्या लोग रूट 3 एंड रूट 3। आप आगे देख सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट, आप यहाँ आगे देखिए फर्दर लोग देखा जाएगा ना लोग 3 सेकेंड ब्रैकेट ये लोग 2, तो आगे जाओ कैमरा लेके, ठीक है ना। और ये 4 दुनी, ये मेरे पास बता 4 दुनी 8 बचा, ये बेस 2 आपका है, ठीक है, ये 8 हो गया, और दो बेस 3 क्या होगा 1, ये सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास लो बेस 3 और क्या बचा आपके पास लो 2 8 आगे के मार्क। आगे देख सकते हैं आप सी बोर्ड को दिखाओ, यहाँ पर आप देखते हैं लो बेस 3, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको लो इस 8 को क्या लिख सकते हैं आप इस 8 को लिख सकते हैं, ये तो बेस है, इस 8 को लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर क्यूब लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 लिख सकते हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे तो यह आपका लोग यहाँ लिखते हैं यहाँ पर लोग बेस 2, ये तो लोग बेस 2 3 पर क्यूब है तो क्यूब आगे जाएगा 3 आगे जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में 3 आगे आ गया, तो बचा यहाँ पर क्या लोग बेस 2 2 लोग बेस 2 2 इसका पावर आ गया। यहाँ देखेंगे क्या आएगा आपका, हाँ तो वहां से भी 2 3 ठीक है लोग बेस 2 2 आ गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ बचा मेरे पास क्या लोग बेस 2 3 और लोग बेस 2 2 इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। तो देख पा रहे हम लोग इसका मान क्या आएगा, सॉरी हम कुछ गलती कर रहे हैं, गलती क्या है लोग बेस 3 लोग बेस 3 3 3 3 ठीक है, यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर क्या है 3 है, आप ये 1 का कोई मतलब नहीं, तो लोग बेस 3 3 का मतलब क्या 1 और इंटू 1 1 एक 1 इनसे कितना आ गया 1। तो बड़ा ऐसी है, मैं आपको दिखा पाऊंगा, मैं आलो को मैथ को बनाया किताब है, मैथ से जो किताब में बना हुआ है किताब का ही मैथ लोग 2 दूसरा जो है एप्लीकेशन 12 सो देट करने की इसको सोल्व करने से बनाना चाहिए, ये आपका LHS दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लोग बेस 2 10 माइनस लोग 5 1 2 5 125 इंटू लोग 8 5 बेस 8 5 कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग इसको कर सकते हैं लोग बेस 2 5 को तोड़ दीजिए इधर इसको 5 into 2 माइनस ये आपका क्या है लोग बेस 5 इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर क्यूब इंटू यहाँ आपके पास क्या है लोग लोग क्या है लोग, हाँ इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप, इसको 1 by अगर करेंगे तो ये क्या होगा लोग ए बेस 8 5 था तो ये बेस 5 8 बेस 5 8 जैसे आप जानते हैं कि लोग अगर लोग बेस ये बी अगर है तो इसको हम जब नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा लोग लोग जो बेस था ऊपर जाएगा तो बेस ये हो जाएगा, तो ये होगा आपका लोग बेस ए बी तो ये 1 by log बेस बी ए तो लोग 8 बेस 8 5 था तो इसको नीचे के तो लोग बेस 5 8 हो गया। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, 10 को 5 into 2 में तोड़ दिया, 125 का 5 के ऊपर क्यूब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब आगे बनाएंगे, देखिए हमको दिखाना होगा, तो ये मल्टीप्लाई का लोग m into n लोग m प्लस लोग n लोग बेस 2 5 प्लस लोग
log बेस टू टू, log m इंटू n जो होता है log m प्लस log n, और log m log log m इंटू n जो होता है log m इंटू n, log m प्लस log n होता है। और वहीं अगर log m बाई n अगर होता तो बस कुछ नहीं, जहाँ प्लस है log m माइनस log n हो जाता, जहाँ प्लस हो माइनस हो जाता, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट के बगैर आपको बनेगा नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या हो गया, माइनस को लिखते थ्री को आगे, लोग एम इन टू एम, लोग एम के ऊपर पावर एन, पावर तो थ्री आगे, जो तो उसका नखरा था तो पावर था, पावर आगे करते बचा क्या, लोग बेस फाइव फाइव इन टू, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ वन बाई आपके पास है लोग बेस फाइव एट है, तो एट को ले सकते दो के ऊपर क्यूब, उसके बाद देख सकते फर्दर लोग बेस टू फाइव प्लस लोग बेस टू टू, दोनों सेम अगर हो लोग बेस टू, बेस भी टू वो भी टू, इसका लोग इतना बनाना है, तो इसका हो जाएगा वन माइनस, इसको आप देखें तो थ्री, ये क्या है लोग लोग बेस फाइव फाइव, तो ये वन इन टू, उसके फर्दर आप इसको देखेंगे लोग बाईस बेस फाइव टू के ऊपर क्यूब, तो क्यूब आगे थ्री, यहाँ बचा क्या था लोग बेस फाइव टू, ठीक बेस फाइव टू। अब फर्दर देखेंगे तो ये क्या होगा कि लोग बेस टू फाइव प्लस वन माइनस तीन एक तीन इन टू वन बाई थ्री लोग लोग बेस फाइव टू, ये थ्री थ्री कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आपके बचा लोग बेस टू फाइव, लोग बेस टू फाइव प्लस वन माइनस, अब इसको ऊपर लेके जाएगा तो जो बेस में है वो वहाँ आ जाएगा, और जो जो जिसका लोगेथिन करे वो बेस बन जाएगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जगह लोग, ये लोग बेस फाइव टू है तो ये जगह लोग बेस टू फाइव, ठीक है। जैसे हम जानते हैं लोग यहाँ पर अगर एम है या एन है, उसको नीचे ले जाता तो क्या था लोग बेस एम था, तो यहाँ बेस एन एम हो जाएगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा होगा, यहाँ बेस एन है या एम है, तो यहाँ अब एम बेस और एन ही है, तो उससे एम की जगह फाइव है या एन की जगह है, जब उसको ऊपर लेके आएंगे तो उल्ट जाएगा, बेस बन जाएगा टू और बेस बन जाएगा फिर फाइव, बेस बन जाएगा टू और जो जिसका अपना बेस था वो बन जाएगा उसका लोगेथन, लोगेथन में आएगा वो। अब देखेंगे तो लोग बेस टू फाइव आ गए, लोग बेस टू फाइव आ गए, ये प्लस में माइनस में कैंसिल, क्या बचा वन, और यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा सो करते एल एच एस आ गया मेरा आर एच एस, दैट इज आर एच एस एंड प्रूव्ड, एंड प्रूव्ड। इस तरह से आप एक को एक्सरसाइज बनाना है, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा अभी मैथ बनाऊंगा नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो सॉल्व है उसको करूंगा। जिस बात को मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज बनाने से पहले अगर हम एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स को कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद बना सकते हैं। आप बस यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कॉन्सेप्ट को समझें, इसको राइट डाउन कॉपी में करें। थोड़ा बोर्ड का दिक्कत हो रही है लाइटिंग फाइटिंग का, बहुत जल्दी बहुत सारे सामान आ रहा है मेरा, जैसे स्टेन आ रहा है, बाकी लाइटिंग आ रहा है, माइक्रोफोन आ रहा है, ये सारा चीज़ आने से आपको और भी अच्छे क्वालिटी में आपको वीडियो दिया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस महामारी में जो कोचिंग स्कूल हर चीज़ बंद है, तो इसी माध्यम से इसी सोर्स के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है। मेरा मानना है कि मैथ्स बड़ा ही ईजी चैप्टर है, एंड मैथ इज हलवा, आप मेरे पास क्लास लीजिए, आपको यकीन होगा। तो आप इस चैनल को सॉल्यूशन विद सईद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, जय हिंद।